हेलो दोस्तों, माय सेल्फ रॉन बुटानी एंड आई एम बैक विद ऑपरेशन मैनेजमेंट क्लासेस। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड यू इफ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो येट सो फर्स्ट गो थ्रू दैट वीडियो एंड ओनली देन सी दिस वीडियो सो यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लासेस। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास in which we will be doing illustration number 4 and if possible then we will doing illustration 5 as well and after illustration 5 it will complete our chapter assignment. Okay, so let's start with illustration number 4 without wasting much time. Let's begin. 6 salesmen are to be allocated to 6 sales regions so that the cost of allocation of the job will be minimum. 6 salesmen hain jinko alag alag 6 sales region diye gaye hain jisse hamari jo allocation ki cost hai wo minimum ho. ईच सेल्समैन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब एट डिफरेंट कॉस्ट इन ईच रीजन। जो हर सेल्समैन है वो कैपेबल है जॉब करने का अलग अलग कॉस्ट पे हर रीजन में। द कॉस्ट मैट्रिक्स हमें जो है कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है, ये रीजन गिवन है और सेल्समैन गिवन है। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या क्या है। फर्स्ट इज ए फाइंड द एलोकेशन टू गिव मिनिमम कॉस्ट व्हाट इज़ द कॉस्ट। अगर हमें मिनिमम कॉस्ट की एलोकेशन निकालनी है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी। मिनिमम वही है जो हम अभी तक करते हैं, वही हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं, नाउ सपोज द अबव टेबल गिव्स अर्निंग ऑफ ईच सेल्समैन एट ईच रीजन। अब हम देख रहे हैं कि हमारी पहले तो कॉस्ट थी, अब हम देख रहे हैं कि ये जो कॉस्ट है इसको हमने रीजन में कन्वर्ट कर दिया बी पार्ट में। तो हाउ कैन यू फाइंड एन एलोकेशन सो दैट अर्निंग विल बी मैक्सिमम, डिटरमाइन द सॉल्यूशन विद ऑप्टिमम अर्निंग। अब हमें मैक्सिमम देखना है कि हमारी अर्निंग मैक्सिमम हो। जहाँ पर अर्निंग या प्रॉफिट हमें मैक्सिमम देखना होता है वहाँ हम अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिएगा, फिर इसका बी पार्ट देखिएगा, तब आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है रिस्ट्रिक्शंस वाला, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है बाकी इलस्ट्रेशन से। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के साथ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पार्ट ए, जिसमें हम स्टेप 1 में जो हम लिखते थे टिकट कटाओ, मतलब हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने होते थे, उसको हमने पेपर में कैसे लिख के आना है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट जो है मिनिमाइज करने जो भी हमें पूछा वो हम लिख कर आएंगे। बी पार्ट में हम लिख देंगे मैक्सिमाइजिंग द अर्निंग्स। ठीक है, तो हम एग्जाम्स में लिख देंगे मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम चेक करते हैं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कॉलम्स भी कितने हैं 6। ठीक है, तो ये जो है हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, देयरफॉर बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो स्टेप 2 है हमारा वो क्या होता है, स्टेप 2 हमारा होता है रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो स्टेप 2 होता है हमारा रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन में अब आप जो है अपना मॉड्यूल को साथ में रखिएगा कि मैं डायरेक्टली करूँगा। तो इसमें रो मिनिमाइजेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट में 0 है मिनिमम वैल्यू, सेकंड में 5 है, फिर ऐसे ही हम सब रोज़ में जो है मिनिमम वैल्यूज निकाल के और बाकी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी रो मिनिमाइजेशन करने के बाद वो क्या आएंगी, लिख देता हूँ 15, 35। तो जो हमारे पास रो मिनिमाइजेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो ये आएंगी। ठीक है, और इसके बाद हम स्टेप 3 करते थे जो था हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन। ठीक है, कॉलम मिनिमाइजेशन में हमें इसमें कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो देखनी है। ठीक है, तो कॉलम में मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है और यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो अब जितने 0 वाले हैं वो तो सेम ही कॉपी हो जाएंगे, तो पहले उन्हें ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो 15, 35, 15, 15, 25, 0, then 35, 0, 50, 10, 65, 15, 0, 40, 0, 25, 35, 20, then 25, 15, 55, 0, 0, 30। अब इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी 10। ठीक है, तो अभी 0 वाले कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो 45, 15, 0, 50, 45 and 5। ठीक है, अब इसमें मिनिमम वैल्यू 10 है हमारी, तो 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 10 5, 35 माइनस 10 25 एंड 40 माइनस 10 30। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉलम मिनिमाइजेशन। ठीक है, अब कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद जो हमारा स्टेप 4 था वो था लाइन मारना। ठीक है, हमें इसमें लाइन मारनी है, तो हमें लाइन मारने के रूल्स है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उससे कवर होनी चाहिए। ठीक, तो
तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे मरने। अब ये दो जीरोज़ आ रही हैं, चलो दो जीरोज़ इसको काट देते हैं। इसमें भी दो जीरोज़ आ रही है रो में, इसमें भी दो जीरोज़ आ रही हैं, इसमें एक आ रही है, तो और इस कॉलम में दो आ रही हैं। तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर कर दी, ठीक है। तो हमने ऐसे लाइंस मार दी। अब जो ये लाइंस आई हैं, ये आई हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ आनी चाहिए थी 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। अगर एन इज इक्वल्स टू 5 आ गया, देयर फॉर नॉट ऑप्टिमम। अब हम क्या करते थे क्वेश्चंस में, ठीक है, आपने गेस कर लिया होगा आई थिंक। सो अब क्या बोलेंगे हम, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के रूल्स है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे, ठीक है। तो हमें करनी है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 1। अब एडजस्टमेंट में हमें क्या करना रहता था, हम सबसे पहले लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढते हैं, सबसे पहला स्टेप। मतलब कि इसमें हमारा 5 लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, इस लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इसको हम बाकी सब में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो जो कवर्ड है इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, जो कवर्ड नहीं है इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, और जो जंक्शन है, ये जंक्शन होता है जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे। तो अब जैसे हमारे पास है 15 35 15, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 15 35 15, राइट। अभी हमारे पास 15 है, अब हमें 15 माइनस 5 10, ठीक है। उसके बाद 25 माइनस 5 20, देन 0 विल रिमेन द सेम, ठीक है। उसको हमें छेड़ना ही नहीं है जो हमारे कवर्ड एलिमेंट हैं। फिर 35 रिमेन्स द सेम, देन 0, देन 50, देन 10 माइनस 5 5, 65 माइनस 5 60, देन 15, ओके, देन 0, 40, 0, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, एंड इट विल रिमेन 20। देन 30, ये हमारा जंक्शन आ गया, 25 प्लस 5 30, जंक्शन है 15 प्लस 5 20, देन अगेन जंक्शन 60, देन 0, 0, एंड अगेन जंक्शन 35, ओके, देन 0 0 0 0 5, देन 5 माइनस 5 0, 25 माइनस 5 20, 30 विल रिमेन द सेम, देन 45, 15, 0, 50 माइनस 5 45, 45 माइनस 5 40, एंड 5 विल रिमेन द सेम, ओके। सो अब हम इसमें लाइन मारेंगे, तो इसमें लाइन मारेंगे तो अब हमारी यहाँ दो जीरोस कवर हो गई, दो 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 दो, इसमें एक है, दो दो। अगर हम ऐसे मारते हैं 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 हो रही है। अगर हम ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 0 हैं, तो हम ऐसे मार देते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। इसके मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से लेकर कर सकते हैं, आंसर लास्ट में सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा एन हो गया 6, देयर फॉर ऑप्टिमम। अब हम जाएंगे स्टेप 5 पर। स्टेप 5 होता है बॉक्सिंग द जीरोज, एज यू ऑल नो, ठीक है। उसमें हमें ये सेम कॉपी करना है और फिर जीरोज को बॉक्स करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर कॉपी कर देता हूँ पूरे टेबल को। तो ये मैंने टेबल कॉपी कर लिया, हमें बॉक्सिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसको बॉक्स करा, तो ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें हर रो या कॉलम में एक बॉक्स तो चाहिए, जीरो को बॉक्स तो करना ही है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट रो में तो हो चुका है, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ये बचा है, इसको कर दिया, इसमें कोई रो में नहीं था। उसके बाद सेकंड में ये बचता है, तो ये कट हो गया, और फिर हम यहाँ जाते हैं तो हमारे पास आता है। अब ये दो कट हो गए हैं, तो इसको कट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें यहाँ पर भी एक चाहिए। तो इसको हमने बॉक्स कर दिया, इसको बॉक्स कर दिया, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। और ये कट हो गया, तो ये बॉक्स हो जाएगा, और लास्ट में बचा ये वाला, तो ये बॉक्स कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 6 जो है हमारा, वो है ऑप्टिमम असाइनमेंट, ठीक है। ऑप्टिमम असाइनमेंट में ये मैंने लिख दिया सेल्समैन, ये उसके पास जो रीज़न आया और जो उसकी कॉस्ट आएगी, वो हमारे जो होगी मिनिमम कॉस्ट आएगी, ठीक है। सेल्समैन है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। ए के पास आता है रीजन थर्ड, रीजन थर्ड में ए की कॉस्ट जो है वो मॉड्यूल से आप देखेगा, ठीक है। रीजन सेल्समैन ए के पास आता है रीजन थर्ड जो है 0, ठीक है। ऐसे ही मैं सारी कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको सारी देखनी है। बी के पास आता है रीजन, बी को मिला है रीजन टू जिसकी कॉस्ट है हमारे को, सॉरी 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 सॉरी, इसको मिला है यहाँ पर तो रीजन लिखना था ना, तो ए को मिला है थर्ड रीजन, बी को मिला है रीजन टू इसकी कॉस्ट है 0, इसकी है 5। ये मैं क्वेश्चन में से ही देख कर डाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप एक बार और दिखा देता हूँ। बी को रीजन टू मिला, तो बी को जो रीजन टू मिला है
उसकी कॉस्ट है 5, ऐसे ही हमें सारी कॉस्ट लिखनी है। ठीक है, सी को मिला है रीजन 6, ठीक है, और डी को मिला है रीजन 5, ई को मिला है रीजन 4 और एफ को मिला है रीजन 1। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट जो है वो है, सी को रीजन 6 मिला है, यहाँ पर है कॉस्ट 10, देन इसकी कॉस्ट है 25, इसकी कॉस्ट है 5 और इसकी है 10। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये आता है 55। तो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है, एलोकेशन हम ऐसे करिए कि मिनिमम कॉस्ट हमारी है 55। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, देखिए 0, 5, 10, 25, 5, 10, 55 मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब अगर हम बात करते हैं बी पार्ट की, जहाँ पे हमने जो करा है, ये जो कॉस्ट है इसको हमने अर्निंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। जो हमें क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी थी, हम जिसमें ये कॉस्ट है इसको हमने अर्निंग्स मान लिया, तो हमें अर्निंग्स को मैक्सिमम करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है, अर्निंग्स को मैक्सिमम करना होता है, और जब हमें मैक्सिमम करना होता है तो हमें अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनाना होता है। अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स के रूल्स होते हैं जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बताए थे, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो इलस्ट्रेशन 2 आप देखिए, अभी मैं इसमें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है अब। ठीक है, और अब हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है, बस हमें मैट्रिक्स वाली लेनी है जो मैं निकाल चुका हूँ 70 माइनस जो मैं गिवन था उससे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स कैसे करते हैं वो आप इलस्ट्रेशन 2 में देखिएगा उस वीडियो पर जाकर। ठीक है, मैं आई पर लिंक डाल दूंगा उसको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें वही रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप 1, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, वही सेम स्टेप फॉलो करना है, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब इतनी बार बता दिया तो मेरे को नहीं लगता अब बार बार उसको बताने की नीड है। तो नंबर ऑफ रो 6 ही है, नंबर ऑफ कॉलम 6 ही है, तो बैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रो मिनिमाइजेशन करते हैं। तो सेम करेंगे स्टेप 2 में, हम रो मिनिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, रो मिनिमाइजेशन में अब हमें ये वाली मैट्रिक्स लेनी है। तो इसमें जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो है 25, फिर है हमारी 25, फिर है 5 और फिर है 10, देन 0, देन 20। ओके, सो अब ये रो मिनिमाइजेशन करके मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ फटाफट जो भी आ रही है। ठीक है, 55 माइनस 25 एंड दिस सब लिख देता हूँ। तो हमारी वैल्यूज़ ये आई रो मिनिमाइजेशन करने के बाद। अब हमें क्या करना है, कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है, तो हम स्टेप 4 में करेंगे कॉलम मिनिमाइजेशन, सॉरी स्टेप 3। ठीक है, कॉलम मिनिमाइजेशन में हम इसमें कॉलम में जबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो लेंगे। सब कॉलम में 0 ही है और इसमें 5 है बस, तो इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी सब एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। तो मैं कॉपी कर देता हूँ उसको, तो ये मैंने कॉपी कर दिया। और स्टेप 4 हमारा होता है लाइन मारने वाला। ठीक है, तो हम इसमें लाइन मारेंगे। अब अगर हम लाइन मारते हैं, मैं डायरेक्टली मार के बता रहा हूँ आपको कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, अपने आप ट्राई करिएगा। मैंने 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 में कमर हो गया तो n इज इक्वल्स टू 5 और हमें लाना था 6। देयरफॉर नॉट ऑप्टिमम, देयरफॉर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो मैं सीधा जो है जो भी रूल्स हैं उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसको कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद हम फिर से लाइन मारेंगे। ठीक है, और दोबारा एडजस्टमेंट आएगी तो फिर से मैं कॉपी कर दूंगा और फिर से उसके बाद लाइन मार के हम देखेंगे कब तक 6 नहीं आता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के बाद जो हमारी वैल्यूज आई है वो है यही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लाइन मारते हैं, अगर 6 आ भी रही है ना तो आपको 6 नहीं करनी है। वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस में समझाया हुआ जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं तो आई विल रिकमेंड यू दैट स्टार्ट विद फर्स्ट क्लास ऑफ असाइनमेंट चैप्टर इफ़ यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसमें लाइन मार रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें लाइन मारी अगर तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, कोई 0 नहीं बची। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू अगेन 5, देयर फॉर नॉट ऑप्टिमम, देयर फॉर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट नंबर 2। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2 अगर प्रोसेस फॉलो करते हुए चलता हूँ तो हमारी एडजस्टमेंट 2 की जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आएंगी ये। ठीक है, अब हमें फिर लाइन मारनी है। हमने लाइन मारी यहाँ पर 1, कवर हो गई। ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, अगेन 5, n इज इक्वल्स टू 5, देयर फॉर नॉट ऑप्टिमम, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट नंबर 3। फिर से वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जिसमें जो स्टेप्स जो मैंने बताए थे वही फॉलो करने हैं।
उसके बाद जो हमारे एलिमेंट थ्री की वैल्यूज आती हैं वो आती हैं क्या, वो आएंगी ये वैल्यूज। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी भी तरह से कर लीजिएगा, आपकी जो है सिक्स से कम नहीं जाएगी एन, ठीक है। मैंने क्या इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसमें मैंने लाइन मार दी ऐसे 1 2, ठीक है, लेकिन ये 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6, ठीक है। तो यहाँ हमारी हो गई एन इज इक्वल्स टू 6, देयर फॉर ऑप्टिमम, ठीक है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं वैसे, क्योंकि मैंने करा रखा है पहले भी। उसके बाद स्टेप 6, सॉरी सॉरी स्टेप 5, पहले हम करेंगे बॉक्सिंग द जीरोस, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो मैक्सिमम अर्निंग्स हमारी आएंगी। तो बॉक्सिंग द जीरोस में ये वाला हमारा ऑप्टिमम आया, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। 0 0 20 0 10 0 then 0 55 0 30 30 50 then 30 15 50 0 35 75 5 30 0 30 10 0 20 0 15 55 15 30 and 35 40 40 20 15 0 60। ओके, सो नाउ बॉक्सिंग द जीरोस, बॉक्स किया, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बॉक्स करेंगे तो ये कट, और इसमें ये बॉक्स कर देंगे, इसमें तो कुछ कट नहीं हो रहा है, ये बॉक्स कर दिया और ये बॉक्स कर दिया और ये बॉक्स कर दिया, ठीक है। बॉक्सिंग हो गई, अब हम करेंगे स्टेप 6 में, हम लिखते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है वो आया है सेल्समैन, रीजन एंड अर्निंग्स। अब यहाँ कोर्स नहीं है, अब अर्निंग्स हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। सेल्समैन में हमारे थे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए को मिला रीजन 1, बी को मिला रीजन 3, सी को मिला रीजन 4, डी को मिला रीजन 6, ई को मिला रीजन, मैं से एरो कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ई को मिला रीजन 2 और एफ को मिला रीजन 5, ठीक है। अब जो हमने अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनाया था वही हमारी अर्निंग्स के लिए कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब जैसे ए को 1 मिला है, ठीक है, तो सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव सेड दैट कि अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स वाला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो लेना होता है वो हमें यही लेना होता है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है, क्योंकि हमें उसमें बोला है कि ये जो कॉस्ट हमें गिवन है ना, इसमें इसी को हमने अर्निंग्स मान लिया। तो अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का कहा था, क्योंकि हमें बस मैक्सिमम करना था, ठीक है। तो हम ए को 1 दिया तो हम 15 लेंगे, ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो हमने ए पार्ट में फॉलो किया था वही रखना है। तो इससे हमारी जो अर्निंग्स आएंगी वो आएंगी 15 देन 45 देन 65 देन 60 70 एंड 50 एंड इसका जो टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा, टोटल अर्निंग्स जो है हमारी, जो हमारी मैक्सिमाइज हुई हैं वो आएंगी 305। ओके, अगर आप मान लीजिए आपने दो टू एडजस्टमेंट पे आपने किया यहाँ पे, ठीक है, आपने सेकंड एडजस्टमेंट की और आपका हो सकता है यहाँ पे एन इज इक्वल टू 6 आ जाए, ठीक है, मैंने बस बढ़ाया, आपका हो सकता है एन इक्वल टू 6 आ जाए और आप उसको लेके सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार मैट से, जो हमारा ये था, ये रहा 305 जो है हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये भी हो गया, अब जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं, सी पार्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, ये नया है, ठीक है, इसमें अभी तक नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में। देर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर कमर्शियल रीजन्स दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 5th एंड ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 2nd। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कमर्शियल रीजन्स हैं, जिसकी वजह से हम ए को जो है रीजन 5 में पोस्ट नहीं कर सकते और ई को जो है रीजन 2 में पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स सुटेबल आफ्टर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन के बाद जो ये कॉस्ट मैट्रिक्स है हमें बताना है कि क्या पॉसिबल होगी, ठीक है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। ये हमारा रिस्ट्रिक्टिव और प्रोहिबिटेड असाइनमेंट, हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मना कर दिया है वहाँ पे जो है वो रीजन में पोस्ट नहीं हो सकता कुछ रीजन्स की वजह से, चीज़ से मना किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस एम इंटू प्रोहिबिटेड सेल, ठीक है। एम क्या है, एम जो है ये एक बहुत ही लार्ज वैल्यू है, ठीक है, अ लार्ज वैल्यू मतलब कि इन्फिनिटी तक जाती है जो। और इसको हम लर्न कैसे करते हैं, एम है क्योंकि अगर हमें कोई भी कुछ चीज़ करने से मना कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम किसके पास जाते हैं, माँ के पास। तो हम इसको वी लर्न इट एज माँ, लर्न इट एज माँ, ठीक है।
तो जहाँ भी रिस्ट्रिक्शन आई वहाँ पर हमें माँ को लेकर आ जाना है, ठीक है। तो हम जो कॉस्ट मैट्रिक्स अब बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, ये कॉस्ट मैट्रिक्स थी, ये हमारे सेल्समैन थे और ये हमारा रीजन था, ठीक है। रीजन था 1 2 3 4 5 6, सेल्समैन थे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो पहले तो हम सेम कॉपी कर देंगे सब, 0 25। ए को बोला था कि फिफ्थ रीजन में नहीं ले जा सकते, अब इसको छोड़ देते हैं, बाकी कॉपी कर लेते हैं 45 40। मैं कॉपी कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको। मैंने ये कॉपी कर लिया, बस हमें बोला था कि ए को हम फिफ्थ रीजन में पहुँच नहीं कर सकते और ई को टू रीजन में। तो हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एम, जो मतलब माँ, यहाँ पर हमें एम लिख देना है, ठीक है। बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत बच्चों वाला पार्ट था ये, ठीक है। तो दिस इज़ इट एंड आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। सो वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 5 एंड दैट विल कंप्लीट आर असाइनमेंट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।